और रीजनल स्टार की पब्लिक, क्या हाल है यार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम है तुम्हारा आज के चिकन डिनर वाले गेम प्ले में। और भाई स्टार्टिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। तो देखो इधर आए थे मैं स्पोर्ट में, और भाई इधर कुछ बंदे उतरे होते हैं सामने, मेरे को बंदा दिखता है, इसको मैंने काफ़ी अच्छा डैमेज दिया, लेकिन भाई ये नोक नहीं हो पाता और इसका किल मेरे को नहीं मिलने वाला यार, क्योंकि मेरा टीममेट मेरे साथ है। अब तुम समझ सकते हो क्या होने वाला है। और भाई ये हो भी गया, देखो मतलब मेरे टीममेट ने यार एक गोली मारी और किल चुरा लिया। अब देखो ये बंदा मेरे को नज़र आता है और इसको मैं स्कारल से नॉक कर देता हूँ। और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जो वाइट वाइट सी टंकियाँ रखी हैं उसके पीछे भी इसका टीममेट है। अब वो मेरे को डैमेज देता और मैं भी उसका एक बॉडी शॉट चिपका देता हूँ, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो अभी जरा मैं अपने एक एनर्जी ड्रिंक होती है और मैं एनर्जी ड्रिंक लगा लेता हूँ, और मेरे पास एक नेट होता है। मैं समझता हूँ वो बंदा वहीं पे होगा, तो मैं एक नेट की पिन खींचता हूँ और एक नेट फेंकता हूँ। तो देखो इस नेट से क्या होता है, इस नेट से तो घंटा भी कुछ नहीं होता। तो भाई इधर से इधर रहने का कोई फायदा नहीं था, और भाई इधर वो दोनों बंदे लड़ झगड़ रहे थे। तो मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पर, और इधर मिलता है मेरे को एक फ्री का किल जो कि भाई मैं बिल्कुल उठा लेता हूँ। जिस बंदे ने उसको नॉक किया था उसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। और भाई इसका टीममेट का फूड स्टेप्स आ रहे थे, तो देखो इसका टीममेट को कैसे भरता हूँ। और ये इसी रूम में जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, तो देखो कैसे भरते हैं इसके बंदे को। भाई इस बंदे को दुनिया जहाँ कुछ होश ही नहीं है, मतलब क्या चाह रहा था यार बंदा, मतलब पबजी खेलना नहीं आता तो खेलते क्यों यार। तो अब आ जाते हैं अपन इस वाली जगह पर, और मेरे को पीछे से गन शॉट्स की आवाज़ आती है। मैं सोचता हूँ बूट होंगे, लेकिन भाई ये रियल बंदा होता है। और भाई इसके इधर दो टीममेट और हैं जिनको भी अभी भरने वाले हैं। अब इस बंदे को मैं भर देता हूँ, और भाई इसके पास होती है S12 की, और मैं S12 को उठा लेता हूँ यार, क्योंकि इससे पिछले वाले गेम में बहुत दफ़ा यार जब भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, मतलब 3-4 मैचों में तो बंदे S12 के लेके रश कर देते हैं। पूरी स्क्वाड के बंदों का 3-3 S12 के होते हैं, 3 बंदों के पास। तो यार मतलब आप कैसे 1v4 का रश कर सकता है बंदा। तो भाई वो उसका दूसरा टीममेट मेरे बंदे पे फायर करता है, अब तो बारी उस वाले बंदे की। देखो बंदा पेड़ के वहाँ खड़ा होता तो मैं इसको नॉक कर देता हूँ M4 के साथ, बड़े प्यार के साथ। तो यही मौका था उन पर रश करने का। अब देखो इधर मेरा टीममेट इसको फिनिश कर देता है। मैं आगे की तरफ जाता हूँ देखने के लिए कोई और इसका टीममेट है नहीं है, और ये चचा हमें यहाँ पे लेटे हुए दिखते हैं जिनको मैं कुचलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई नहीं कुछ चलता गाड़ी से, मतलब गिलीज हो जाता है। तो इसको M4 के साथ मार देता हूँ, और भाई इसके पास से मिल जाता है मेरे को 6S जो कि मैं यूज़ नहीं करने वाला। अब देखो इधर आते हैं तो इधर कुछ गन शॉट की आवाज़ आ रही होती है DP की, और जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे को बंदा स्पॉट होता है। Enemy. Enemy down.
और भाई इस बंदे को अपनी लूट की पड़ी हुई होती है और इसका कुछ होश नहीं होता, तो इसको मैं बड़े प्यार के साथ M4 के साथ भर देता हूँ। तो अब मैं इस तरफ जाता हूँ कि और बंदे होंगे, लेकिन तभी भाई पेड़ के वहाँ से गन शॉट की आवाज़ आती है और अब मैं रश करने का फैसला करता हूँ। इधर से मैं कुछ रैंडम फायर देता हूँ लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और भाई तभी ये बूट आ जाता है, तो इस बूट को भी लगे हाथों भर देता हूँ। मेरे को बंदा नज़र आता है, ये बंदा नज़र आता है, इसको नॉक कर देते हैं। इसका कोई टीममेट नहीं होता और भाई यहाँ पे होने वाला है मेरे साथ एक गलत सीन। मतलब यार क्या मजाक यार, ऐसी की तेजी मेरे ऊपर ही रेड जोन क्यों गिरता है जब भी यार, मतलब मजाक बना के रखा है यार पबजी वालों ने। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है यार तो कमेंट में बता देना। अब देखो मैं तो इधर रेड जोन से नॉक हो गया था, तो मैं अपने टीममेट से रिवाइव मांग लेता हूँ। अब देखो मैं उन बंदों पर रश करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ भाई मेरे टीममेट को पग्गी में बैठ के चल, लेकिन मेरा टीममेट बोलता है नहीं भाई मैं हूँ जॉन सीना, 35 की उम्र 34 का सीना। लेकिन भाई बाद में फिर पता चलता है मेरे टीममेट को कि भाई औकात में रहना चाहिए, और भाई वो बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। और मेरा टीममेट जितने जोश से बोल रहा था कि भाई मैं बंदों को मार दूंगा, उतने टीममेट से जोश से मेरे को बोल रहा था भाई रिवाइव रिवाइव। अब देखो इधर मैं स्मोक कर देता हूँ, अपने टीममेट को बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई वो जो सामने दो बंदे होते हैं यार वो स्मोक में रैंडम फायर देके मेरे टीममेट को फिनिश कर देते हैं। अब मैं आ जाता हूँ पेड़ के कवर में और मेरे को बंदे आते हुए नज़र आते हैं, और अब देखना मैं एक बंदे को कितना डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई वो नोक नहीं होता बंदा। और भाई इतने में बंदा नेट फेंक देता, वो तो मैं सही टाइम पे पीछे आ जाता हूँ, तो मेरी बचत हो जाती है नेट से, वरना यार मेरी पेटी बन जाती है। दोबारा ये बंदा दिखता है यार नेट फेंकते हुए, तो मैं इसको अगली बार चांस नहीं देता और नॉक कर देता हूँ। और अब मैं सोचता हूँ यार जून आ चुका है, यहाँ से निकल लेते हैं बग्गी पकड़ के, लेकिन इसी बग्गी से मैं इसके लास्ट टीममेट को मार के जाने वाला हूँ। अब ये बंदा फुल सुपरमैन बन के मेरे को S12 को छापने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई इतनी आसानी से थोड़ी छापने देंगे। तो देखो इधर आ जाता हूँ मैं इस वाली जगह पर, और उधर एक सामने एक बंदा होता है जहाँ पर आपको पेड़ दिख रहा है, और भाई उसके पास होती है ओम, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था उसके पास ओम है। अब मैं थोड़ा बहुत स्प्रे मारता हूँ, लेकिन भाई वो बंदा मेरे एक बॉडी शॉट चिपका देता है, वो तो अच्छा हुआ कि हेड शॉट नहीं बढ़ा। अब देखो लास्ट में एक बूट होता है जिसको मैं मार देता हूँ, और ये आखिरी बंदा बच रहा होता है, और इसको मैं बड़े रिस्क लेके मारता हूँ। मैं बोलता हूँ यार ये हेड शॉट ना मार दे, लेकिन भाई इस बंदे को मैं जैसे तैसे रिक्स लेके मार देता हूँ, और इसने मेरे एक बॉडी शॉट चिपका दिया था उनका, और अच्छा हुआ है शॉट नहीं चिपका, वरना तो चिकन डिनर इसके पास चले जाता। तो उम्मीद है यार आप लोगों को आज का गेम प्ले पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना। और यार मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, तो जाओ यार सब्सक्राइब करो, मतलब क्यों नहीं करा यार, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करो, वीडियो को लाइक ठोको, और मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।